बाद चुनाव के अंदर भी यूनुस खान का इनका पूरा खेमा खिला था। हनुमान बेनीवाल विचारधारा राजस्थान के अंदर, अशोक गहलोत को मैंने चेतावनी दी थी कि मैं अगर आ रहा तो सांसद से इस्तीफा दे दूंगा, और अगर आप भी ये चुनौती स्वीकार करें कि क्यों सर अगर आ रहे हो तो इस्तीफा दे सकें, ऐसा कोई दे सकता है क्या? इसका मतलब मुझे क्यों सर की जनता पर पूरा भरोसा था। 36 को हमने वोट डाला, बीजेपी के उन वर्कर ने भी बहुत मेहनत की जो मोदी जी को मानते हैं, जो विचारधारा के वोट डाला है, लेकिन बदमाशी लोगों ने करी, भीतरघात किया और लास्ट तक जवानों ने मोर्चा संभाले रखा। और इन मिर्जाओं का जो पुराना जो कहा जाता है, इन्होंने अंतिम जो कहते हैं कोई अंतिम इन्होंने लड़ाई लड़ ली, सब लोगों ने करी, सारे एक हो गए। इनको वैसे तो ज्योति मिर्जा को नौ के अंदर मैं और रूपाराम जी लाए थे, हरिंदर गुप्तेरा का चुनाव लड़ाया था, मुझे मदद इनकी करते रहे, लेकिन ये सब एक हो गए। धनबल का भारी दुरुपयोग हुआ, वसुंधरा गहलोत ने मिलकर चुनाव लड़ा, 15 मंत्री, 60 विधायक, गोतवाइज मंत्री, इतना ज़्यादा, और 40 से ज़्यादा सरपंचों को सीएम ने फोन किया कि आप हनुमान को हराओ, क्योंकि बेटे की तकलीफ थी, निश्चित रूप से बेटे की हार की बौखलाहट भी होती है, और वो नारायण को हरा कर बदला लेना चाहते थे, कोई नारायण हार जाए तो मैं कुछ चैन के साथ हूँ। लेकिन अशोक गहलोत की दिवाली फीकी कर दी मैंने, और अब सड़कों पर संघर्ष करेंगे, राजस्थान के अंदर युवाओं को, किसानों को, जो जिन मुद्दों को लेकर चले यहाँ करेंगे, और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के हाथ में कुछ करेंगे, लोकसभा के अंदर तमाम उन मामलों को लेकर राजस्थान का विकास हो, नागौर का विकास हो। और जो हमने वादे इस खेल के अंदर 2008 से लगातार, यहाँ कुछ भी नहीं था, न डाणियों में लाइट थी, न कोई सड़क थी, न स्कूल थे, न अस्पताल थे, न पीने का पानी था। या हनुमान बेनीवाल तीन बार लड़के खेल के लोगों को लड़ना सिखाया, या कलेक्ट्रेट में छोटो हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेना नहीं आता था, या आई जी बुलाए, मंत्री बुलाए, डी जी बुलाए, तो हनुमान के संघर्ष का परिणाम था। और अब ये नारायण जो बचे हुए काम है ये तो करेगा ही करेगा, सांसद होने के नाते मैं दिल्ली के अंदर गठबंधन में तो मैं करूँगा, और यह सरकार से सड़कों में लड़ेंगे। वैसे कांग्रेस सरकार ज़्यादा टिकेगी नहीं, क्योंकि ये जो मंडावा की सीट भी जीती, गहलोत खेमे की सीट नहीं, ये भी सचिन पायलट की कैंडिडेट है, और गहलोत दोनों सीटें एक तरीके से हार चुके राजस्थान। ये